रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लड़ाई का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। यूरोप ने यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से गैस की खरीद लगातार कम की है। इस कारण एलएनजी की ग्लोबल कीमतें आसमान पर पहुंच गई है और इसका खामियाजा मुश्किलों से गुजर रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को कई शहरों में 12-12 घंटों से ज्यादा की बिजली कटौती करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने करीब एक दशक पहले एनर्जी को लेकर नई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाई थी। नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने एलएनजी पर भारी निवेश किया था। इटली और कतर की कंपनियों को एलएनजी सप्लाई करने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एलएनजी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, ये कंपनियां पाकिस्तान को मिलने वाली एलएनजी कहीं और खपाकर ज्यादा मुनाफा कमा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पावर प्लांट से लेकर फर्टिलाइजर प्लांट तक एलएनजी की शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पिछले महीने ईद के दौरान बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उसे स्पॉट मार्केट से करीब $100 मिलियन देकर सिर्फ एक एलएनजी शिपमेंट को खरीदना पड़ा था। पाकिस्तान ने एक शिपमेंट के लिए रिकॉर्ड पेमेंट ऐसे समय किया था जब वो विदेशी मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक गिरावट से जूझ रहा है। पाकिस्तान खूब प्रयास करने के बाद भी एलएनजी का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। इसके कारण पावर प्लांट अब ठप पड़ गए हैं और पाकिस्तान को प्लान करके 12-12 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती करने की जरूरत पड़ गई है। बिजली में ये कटौती ऐसे समय हो रही है जब पाकिस्तान के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में है। हालांकि पाकिस्तान ने बिजली बचाने के लिए हालिया समय में कुछ अग्रेसिव उपाय किए हैं। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को शनिवार की शिफ्ट से छुट्टी दे दी गई है। सुरक्षा कर्मियों के बजट को भी 50% कम कर दिया गया है। शादी समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है। फर्टिलाइजर प्लांट को एलएनजी की सप्लाई रोक कर पावर प्लांट को ज्यादा आपूर्ति की जा रही है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क तक गायब है। बिजली के अभाव में टावर काम नहीं कर रहे हैं और ऑपरेटर्स के पास जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं बचा है। एलएनजी की बात करें तो बीते 2 साल में इसकी कीमतें 1000% से ज्यादा बढ़ी हैं। पहले कोविड महामारी के बाद डिमांड बढ़ने से इसके भाव बढ़ गए हैं। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग इसकी कीमतों में आग लगा दी। एलएनजी की बात करें तो पिछले 2 साल में इसकी कीमतें 1000% से ज्यादा बढ़ी हैं। पहले कोविड महामारी के बाद डिमांड बढ़ने से इसके भाव बढ़े और इसके बाद रूस और यूक्रेन जंग ने इसकी कीमतों में आग लगा दी। तीसरा कारण यूरोप में एलएनजी की बढ़ी खपत है। यूरोप पिछले साल की तुलना में इस साल मई तक 50% ज्यादा एलएनजी खरीद चुका है। यूरोप ने रूस के गैस पर निर्भरता कम करने के लिए एलएनजी की खरीद को बढ़ा दिया है। इस बढ़ी डिमांड और कीमतों के चलते कंपनियां यूरोप को एलएनजी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने में लग गई हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इटली की कंपनी एनीस्पा और ट्रेडिंग हाउस गनवर ग्रुप लिमिटेड को अगले एक दशक तक एलएनजी सप्लाई करने का टेंडर दिया था, लेकिन ये दोनों कंपनियों का कहना है कि उनके पास पाकिस्तान को देने के लिए एलएनजी नहीं है। हालांकि ये सच नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियों ने यूरोप को एलएनजी की डिलीवरी करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ ये कंपनीज एक बायस्ड रुख अपना रही हैं, लेकिन इन सब में पिस रही है पाकिस्तान की आम जनता, जिन्हें 12-12 घंटों तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।